चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज ये सुनवाई टल गई। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। सीबीआई ने इस मामले में अपने विभागीय अधिकारियों से बात कर जवाब देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि 5 फरवरी से पहले इस मामले में अपना जवाब दायर करें और सुनवाई की अगली तारीख 5 फरवरी मुकर्रर की गई है। वहीं लालू के वकील ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि 5 फरवरी को फाइनल फैसला आ सकता है। कोर्ट में जब केस लिखा हुआ तो सीबीआई की ओर से बोले कि हम लोग को 26 तारीख को ही काउंटर एफिडेविट की कॉपी भी दी है और हमने विभाग को भेजा है, हमको इंस्ट्रक्शन अभी नहीं आई है, उनके तरफ से समय की याचना की गई, हम लोग उसको ऑब्जेक्ट किए और फाइनली जो है कोर्ट अगले शुक्रवार को जो है फाइनल हियरिंग के लिए रख दिया है। सीबीआई को डायरेक्शन मिला है कि अगर बाय दैट टाइम कोई भी अगर आपको रिप्लाई फाइल करना है और फाइल करके हम लोग उनका तो एक्सेप्ट कर देंगे, वो भी अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेंगे, नेचुरली लेने पर बेटर है, उनको भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कोर्ट भी जो है अपना अच्छी तरह से मामला को समझ के हाफ सेंटेंस में राव रेडी कंप्लीटेड है, अगले फ्राइडे को हो जाएगा, एक हफ्ता के लिए टला है। उनको कॉपी जैसे हम लोग जो 25 तारीख को उनको सर्व किया था तो उनके ऑफिस में 26 तारीख को मिला, 26 जनवरी को, तो उनको सीबीआई से कुछ भी इंस्ट्रक्शन लेना था जो कि नहीं मिल पाया था, इसी ग्राउंड पर उन्होंने टाइम लिया। 5 फरवरी को फाइनलिटी पे आ जाएगा ये केस, हाफ सेंटेंस हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाएगा इस कोर्ट से।